लक्ष्य कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम कल हुआ ही है, तो उसमें जो मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा था हिंदी में, जो जो भी चीज़ें हैं आपके हिंदी का जो भी सिलेबस है मैंने यहाँ पे करा रखा था, तो वो सारी चीज़ें लगभग सभी चीज़ें फंसी ही थी। थोड़ा सा घूमे हुए क्वेश्चन थे, लेकिन ये नहीं था कि कुछ कठिन हो उसमें। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो कर ले जाते, लेकिन हाँ कर लिया होगा क्योंकि मैंने सारी चीज़ें क्लियर करवा रखी थी यहाँ पे बच्चों को कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं, तो आप कैसे एग्ज़ाम में करेंगे और क्या अपना समय का बचत करेंगे और कैसे आप समय दे सकते हो एग्ज़ाम में। और जैसा मैंने पहले दिन बताया था आप लोगों को कि अगर आप हिंदी कर ले जाते हैं जल्दी, तो आपको आगे के सब्जेक्ट करने के लिए टाइम मिल जाता है। जैसे कि मैथ है, मैथ में क्या होता है अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि मैथ को भी उतना ही थोड़ा ही टाइम दे पाते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि मैथ में वो उनको टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए क्योंकि मैथ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि कैलकुलेशन करनी रहती है, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ, अगर किसी ने हिंदी है, अन्य सब्जेक्ट हैं यूपी टेट में जैसे साइकोलॉजी है और हिंदी है और ईवीएस है, ये सारी चीज़ें अगर वो कर ले गया अच्छे से जल्दी जल्दी, तो वो मैथ में कर सकता है। लेकिन हाँ, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सिर्फ फटाफट देखा और क्लिक किया और आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे जो भी बच्चे थे, सभी लोगों को लगभग सभी का पेपर अच्छा गया होगा और आप सभी का भी अच्छा गया होगा, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए आप लाइक कमेंट शेयर कर दें, और यहाँ पे जो भी वीडियो शूट की जाएंगी वो आप तक पहुँचाई जाएंगी। अभी तक मैंने ऑफलाइन क्लास में सभी चीज़ें बताई थी, लेकिन अब ऑनलाइन में भी आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी जल्द से जल्द। थैंक यू।